को कैरी कर लीजिए, बटन है ना ये भी प्रेस करना। कैरी बैग में बहुत मजा। फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ रोनिका और आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ लव लिप का एलाइट बेबी कैरियर बैग के बारे में। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मुझे इसके अंदर पांच कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी है और इसकी जो कैरी करने की स्टाइल है उसको भी डेमोन्स्ट्रेट करने वाली हूँ, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इसकी जरूरत क्यों है, राइट? बैक पेन। तो बैक पेन से तो अभी आप सभी लोग फैमिलियर है, स्पेशली मदर्स। ठीक है, जब आप अपने बच्चे को ज़्यादा देर के लिए कैरी करके रखते हैं तो आपको बैक में, शोल्डर्स में, यहाँ तक कि आपके हाथ भी दुखने लग जाते हैं। ठीक है, 10-15 मिनट से ज़्यादा आप बच्चे को उठा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए जो कैरी बैग है वो बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, आपको बाहर शॉपिंग के लिए जाना है, मॉल वगैरह घूमने के लिए जाना है, आप वॉक पे जाते हो, डेली आपको अपने बेबी को भी साथ में ले जाना चाहते हो, तो आप इजीली आप कैरी कर सकते हैं इसके अंदर बेबी को और आपको बैक पेन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो देखिए, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है तो मैं खुद अपने बेबी को 2-3 घंटे तक इसके अंदर कैरी करके घूमी हूँ, तो इसने जो है मुझे बैक पेन में और शोल्डर्स पेन में काफ़ी रिलीफ दिया है मुझे। तो ये है लव लैब एलाइट बेबी कैरियर बैग, तो ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में आएगा। देखिए, इसकी जो MRP लिखी हुई है वो 2599 है, 2600 की अप्रॉक्स है, लेकिन मैंने ये फ्लिपकार्ट से बुलवाया था तो मुझे ये 1000 का पड़ा था, जो पिपल इंडेज की टाइम पे बुलाया था मैंने। तो मेरा बेबी जब 5 मंथ का था तब मैंने बुलाया था और मैंने इसका काफ़ी यूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। मैं 1 by 1 बताती हूँ। ठीक है, तो पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी वो है इसकी क्वालिटी। ठीक है, तो इसका जो मटेरियल है ना वो 100% कॉटन का बना हुआ है, ये रहा। ठीक है, काफी सॉफ्ट है और ब्रीथेबल भी है, तो बेबी के लिए बहुत कंफर्टेबल है। ठीक है, और इसका जो लुक आता है वो भी काफी क्लासी आता है, बहुत प्यारा लुक आता है इसका, ये देखिए पहनने पे। ठीक है, सेकेंड चीज मुझे जो इसके अंदर अच्छी लगी वो है इसका एक सेफ्टी। मैं आपको बताती हूँ, ये इसका जो है वेस्ट बेल्ट है, ये भी काफ़ी चौड़ा है, ये देखिए। मैं आपको अब नॉर्मल बक्कल लगा के बताती हूँ। ठीक है, जैसे ये नॉर्मल बक्कल है, आपने यहाँ से इसको ऐसे प्रेस किया, ये खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, ये आपने प्रेस किया तो ये ओपन नहीं होगा, आपको ये यहाँ पर जो ये बटन है ना ये भी प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए, ये तीनों चीज़ें 1, 2 और ये 3 तीनों चीजें एक साथ प्रेस करोगे तभी जाके ये ओपन होगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जब बेल्ट एडजस्ट करते हैं, जब बेबी को बैठा रहता है, तो कभी गलती से अगर ये प्रेस हो भी जाता है तो ये खुलेगा नहीं। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज है, ये देखिए यहाँ पे जो है ये एक बेल्ट दिया हुआ है, ये रहा। आप इसके अंदर से ये देखिए, यहाँ से अगर ये खुल गया मान लो गलती से तो भी ये यहाँ पे अटक जाएगा, ये देखिए। जो तीसरी चीज मुझे इसकी अच्छी लगी वो है ये डिटैचेबल स्लीपिंग हुड। ठीक है, डिटैचेबल स्लीपिंग हुड यहाँ पे लग जाता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, मैं बता, ये ऐसा है। ये शोल्डर बेल्ट पे 2 बटन्स दिए हुए हैं और यहाँ पे ये हुड पे 4 बटन दिए हुए हैं, इसका यूज करके जो है आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो इसको। कुछ इस तरीके से लग जाता है, तो बेबी जब सो जाता है तो उसका जो हेड है उसको सपोर्ट करने के लिए ये बड़ा ही क्यूट लगता है, और आपको जब इसकी जरूरत नहीं है तब आप इसको इजीली निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, इसको निकाल के रखने के लिए एक और चीज अच्छी दी है इसमें, इसका जो ये वेस्ट बेल्ट दिया हुआ है ना, यहाँ पे ना इसका एक स्टोरेज पाउच दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे अगर आपको यूज नहीं करना है तो यहाँ पे आप ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये देखिए बेल्ट के पास में, ये यहाँ पे। अब चौथी चीज जो मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी वो है स्टोरेज पाउच। यस, इट हैज पॉकेट, एक नहीं दो नहीं तीन तीन स्टोरेज पाउच दिए हुए हैं यहाँ पे, एक ओके, ये 2 और ये आगे की तरफ एक ये छोटा सा, अंदर बहुत सारा सामान आ जाता है। ठीक है, आप एक डायपर रख सकते हैं, नैपकिन रख के ले जा सकते हैं, आप पाइप्स का छोटा वाला पैकेट रख सकते हैं, इवन आप छोटी वाली अगर दूध की बॉटल है आपके पास में तो वो भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे काफी स्पेस है।
तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें स्टोरेज अच्छा है। तो पांचवी चीज मुझे इसके अंदर बहुत अच्छी लगी वो है कूल एयर विंडो फॉर हॉट समर। ये देखिए कुछ ये इस तरीके का दिया हुआ है। आप जब गर्मी में बच्चे को कैरी करके ले जाते हैं ना तो काफी गर्मी लगती है, पसीना आने लग जाता है, तो इसके कारण ना हवा का सर्कुलेशन बना रहता है ताकि आपका बेबी भी इरिटेट नहीं होता है। या आप जो है इसको रोल डाउन करके ये नीचे के पॉकेट में से इन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। या बेल्ट आपका रहा। चले तो मैं आपको इसकी कैरिंग स्टाइल बता देती हूँ फटाफट। तो सबसे पहले तो हम लोग ये वेस्ट बेल्ट लगा लेते हैं। ये जो एक्सेस है ना इसको भी आप फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये रबर, ये जो है रबर को ये देखिए। तो पहली जो है फ्रंट पोजीशन है उसके लिए आप बेबी को कैरी कर लीजिए। ठीक है, अब कैरी बैग को बेबी के पैरों के बीच में से ऊपर की तरफ ले जाना है कुछ इस तरीके से, और बेबी को कंफर्टेबली सेट कर लेना है ताकि वो अपनी सेटिंग पोजीशन में अच्छे से बैठ पाए। और अब हम ये स्ट्रैप को हमारे शोल्डर पे ऐसे लगा लेंगे, और ये शोल्डर स्ट्रैप जो है इसको होल्ड करने के लिए भी पीछे एक स्ट्रैप दी हुई है, तो आप किसी पर्सन की हेल्प ले सकते हैं इसका बकल लगाने के लिए। कैरी बैग में बहुत मजा है। अगर बेबी सो जाता है तो आप ना उसके हाथ इस तरीके से अंदर कर लीजिए ऐसे, और यहाँ पे आप ऐसे स्लीपिंग हुड लगा सकते हैं। जब बेबी सो जाता है तो ऐसे करते हैं, ऐसे। हाँ अभी आप नहीं सो रहे हो मुझे पता है। तो ये हो गई इसकी सबसे पहली पोजीशन। ठीक है, तो हमारी सेकेंड स्टाइल है पिगी बैग स्टाइल। इसके लिए आपको एक और पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके बेबी को पीछे से इस कैरी बैग के अंदर बिठा सके। ठीक है, तो इसके लिए मैं टेडी बेयर का यूज़ कर रही हूँ ये स्टाइल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो देखिए अब हम ये शोल्डर बेल्ट लगा लेंगे, और शोल्डर बेल्ट को होल्ड करने के लिए हम ये आगे से स्ट्रैप लगा लेंगे, और बस हो गई हमारी सेकेंड स्टाइल। तो थर्ड है हमारी वन शोल्डर कैरिंग स्टाइल। ये थोड़ी सी मुश्किल है, तो आप ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से अब ये बेबी को इसमें कैरी करने वाली हूँ। अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय, सी बाय बाय।